देखा जा रहा है। कोलकाता रेप केस मामले में डॉक्टर्स में आक्रोश है, गुस्सा है, सड़कों पर लोग उतर आए हैं, सड़कों पर डॉक्टर उतर आए हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो आज भी डॉक्टर्स की हड़ताल यहां पर जारी है। आज निजी अस्पतालों में भी ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी। डॉक्टर्स की हड़ताल पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई भी होनी है। हड़ताल को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में दो याचिका दायर की गई थी। आपको बता दें एम्स में चल रही हड़ताल पर डॉक्टर्स को नोटिस जारी किया गया है। तो कल भी प्रदेश भर में डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया था, हड़ताल की थी, काम बंद कर दिया था और आज भी आपको बता दें कि हड़ताल इसी तरह से जारी रहेगी। हालांकि हाईकोर्ट की आज सुनवाई भी है हाईकोर्ट में, ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार किस तरह की ये सुनवाई होती है, क्योंकि दो याचिका दायर की गई थी और यहां पर एम्स में जिस तरह से हड़ताल चल रही थी, तमाम वो डॉक्टर उतर आए थे हड़ताल पर अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर, ऐसे में अब डॉक्टर्स को नोटिस भी जारी किया गया है। तो देखिए प्रदेश भर में ये प्रदर्शन देखा जा रहा है और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ग्वालियर से विनोद जुड़ चुके हैं, भोपाल से अतुल जुड़ चुके हैं, इंदौर से हमारे साथ सचिन जुड़ चुके हैं। सचिन, पहले आप जानकारी दीजिएगा, इंदौर की अगर बात करें तो किस तरह का यहां पर प्रदर्शन देखा जा रहा है, क्या आज भी प्रदर्शन होगा और जिस तरह से डॉक्टर्स हड़ताल पर है तो निश्चित तौर पर मरीजों की यहां पर समस्या बढ़ चुकी होगी। आज किस तरह से ये प्रदर्शन किया जाएगा, कहां होगा, क्या है अपडेट इसको लेकर? जी बिल्कुल, मैं अभी इस समय जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है एमआई हॉस्पिटल में वहां खड़ा हूँ। अभी ये 12 बजे से वापस ये पूरे तरीके से यहाँ पे एकजुट होंगे और उसके बाद ये यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे और सुबह 6 बजे से, जैसे इनका कहना था 17 तारीख को सुबह 6 बजे से शाम को 24 घंटे के लिए दूसरे दिन सुबह 6 बजे तक हर प्रकार की सेवाएं पूरे तरीके से बंद रहेंगी। तो अभी तक तो ये स्थिति है कि अभी पूरे तरीके से सेवाएं बंद है, लेकिन बात करें इमरजेंसी सेवाओं की तो इमरजेंसी सेवाओं के लिए प्रशासन ने कुछ ना कुछ इसके इंतजाम किए हैं, क्योंकि कल कलेक्टर ने कहा था कि हम पूरे तरीके से नजर बनाए हुए हैं। प्लस उसके अलावा हाईकोर्ट में भी इस पूरे मामले में पिटीशन लगी है क्योंकि मरीजों की खजियत ज्यादा हो रही है और तो उसको देखते हुए प्रशासन भी पूरे तरीके से अलर्ट है। बात करें कल की तो कल भी है पूरे दिन हड़ताल पे थे, उसके अलावा इन्होंने ओपीडी भी बंद कर दी थी और उसके बाद कल शाम को 7:30 बजे इन्होंने कैंडल मार्च निकाला था जिसमें बड़ी संख्या में इंदौर शहर के पूरे डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, यहाँ तक कि समाज सेवी भी इनके साथ थे। तो इनका यही कहना था कि जब तक एक प्रॉपर वे में एक निष्कर्ष इस चीज का नहीं निकलेगा तब तक हम अपनी स्ट्राइक नहीं खत्म करेंगे, क्योंकि हमको सुरक्षा चाहिए। उसके साथ साथ जो डॉक्टर को लेके जो सुरक्षा को लेके जो जो इनकी मांग है वह जब तक पूरी नहीं होती तब तक वह ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा कारण एमवाई का यह है कि एमवाई जो हॉस्पिटल है यह मध्य प्रदेश का सरकार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, क्योंकि यहाँ पे कई डॉक्टर्स हैं और यहाँ पे इससे ठीक 1.5 किलोमीटर की दूरी पे हॉस्टल बने हुए हैं जहाँ पे लड़कियां रहती हैं, डॉक्टर्स रहते हैं, फीमेल मेल डॉक्टर्स रहते हैं, वहां से इनको आने में यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या होती है क्योंकि वो उस क्षेत्र में पूरा अंधेरा रहता है, रात को जब वो आते हैं इमरजेंसी कुछ पड़ती है तो उनको वहां से यहाँ तक आना पड़ता है। तो इन सब की यह सब मुख्य रूप से मांगे इनकी हैं, तो अब देखना होगा कि वो प्रशासन इनकी मांगे किस तरीके से मांगे, बिल्कुल मांगे पूरी होती हैं या नहीं देखना होगा, इंतजार करना होगा। हमारे साथ जबलपुर से अमित भी जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले अतुल आपका रुख करेंगे। देखिए दूसरों को जिंदगी देने वाले जो दूसरों की जान बचाते हैं आज अपनी सुरक्षा के लिए सड़कों पर उतर आए हैं, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, डॉक्टर्स को नया जीवन दान देते हैं लेकिन अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। भोपाल से बात करें आज किस तरह का ये प्रदर्शन देखा जाएगा, क्या कुछ जानकारी है, कहां ये प्रदर्शन होगा? देखिए बिल्कुल, प्रदेश के अन्य जिलों में जिस तरीके से स्थितियां बनी हैं अमूमन भोपाल में भी वही स्थिति बनी हुई है। हमीदिया हॉस्पिटल की बात करूं, जिले का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, ना केवल भोपाल बल्कि आसपास के इलाके के भी जो लोग हैं, मरीज हैं, यहां पे इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं, तमाम सुविधाएं यहां पे मौजूद हैं। लेकिन हमने देखा किस तरीके से शुक्रवार रात 12 बजे से जूडा स्ट्राइक पे चले गए और जूडा हमीदिया हॉस्पिटल की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं और ऐसे में अगर वो स्ट्राइक पे रहते हैं, हड़ताल पे रहते हैं तो पूरी स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से चरमराई जाती हैं। कल का दिन हमने यही होते हुए दिखाई दिया, हालांकि इमरजेंसी सेवाएं चालू रही लेकिन ओपीडी सहित तमाम जो अन्य थे ऑपरेशन टाले गए, ऑपरेशन अलग अलग गंभीर मरीजों के वो ऑपरेशन हो रहे थे जिसकी वजह से मरीज काफी परेशान होते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा भोपाल में एम्स में भी जुड़ा स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, आज भी इसी प्रकार की स्थिति बनेगी, तमाम जो निजी हॉस्पिटल है वहां पर ओपीडी बंद कर दी जाएगी। देखिए स्थिति स्पष्ट है क्योंकि डॉक्टर्स का यही कहना है कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार डॉक्टर यानी चिकित्सक सुरक्षा कानून
लेके नहीं आती है तब तक इसी प्रकार की आंदोलन जारी रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये मुद्दा पहली बार उठा है, इसके पहले भी हमने देखा देश के अलग अलग कोने से, हालांकि मध्य प्रदेश में भी हमने कई बार स्थितियां देखी, हमीदिया हॉस्पिटल में कई बार हमने ऐसी स्थितियां देखी कि मरीज और जुड़ा के बीच झड़प होती है, जिसमें कई बार वो हड़ताल पे भी चले जाते हैं और इसी प्रकार के कानून की मांग करते हैं। लेकिन देखिए सरकार के हस्तक्षेप के बाद कई बार स्थितियां बनती और बिगड़ती हुई हमने देखी है, लेकिन आज सीधे तौर पर हम देख रहे हैं जबलपुर हाईकोर्ट का इसमें हस्तक्षेप होगा, क्योंकि जिस तरीके से दो याचिकाएं लगाई गई है स्पष्ट तौर पर हड़ताल को गलत बताया गया है और जनहित की याचिका है। कोर्ट का क्या निर्णय रहेगा, कोर्ट किस तरीके सख्ती के साथ बात करेगा या डॉक्टर्स की जिस तरीके से हड़ताल चल रही है उसको जायज ठहराएगा, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन इन तमाम मुद्दों के बीच में जो पिस रहा है वो आम इंसान पिस रहा है और हॉस्पिटल में दर भटकता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। बहरहाल कल भी शाम के समय यहाँ पे तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो एकजुट हुए, कैंडल मार्च निकाला, हमीदिया हॉस्पिटल में दिन भर डॉक्टर तमाम जुड़ा स्ट्राइक पर रहे, एक जगह धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। आज भी अमूमन यही स्थिति बनती हुई दिखाई देगी भोपाल के अंदर, एम्स में भी इस प्रकार की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। हालांकि जबलपुर हाईकोर्ट ने एम्स के डॉक्टर्स को नोटिस निकाला है, नोटिस में जवाब तलब भी किया है कि हड़ताल को क्यों की जा रही है, उसके पीछे जो परेशानी होगी तो उसका कारण क्या होगा। बिल्कुल अतुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। और जबलपुर से हमारे साथ अमित सोनी भी जुड़े हुए हैं, उन्हीं से जानकारी ले लेते हैं। देखिए अमित, दो याचिका दायर की गई थी जबलपुर हाईकोर्ट में, ऐसे में नोटिस भी थमाया गया था जबलपुर हाईकोर्ट की ओर से इन तमाम डॉक्टर्स को, और आज जो सुनवाई भी होनी है, कब ये सुनवाई होगी, कितनी उम्मीद है सुनवाई से, और जबलपुर में भी क्या इसी तरह का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, आज भी प्रदर्शन होगा? जबलपुर में भी प्रदर्शन होगा, दोपहर में 12 बजे के लगभग जो डॉक्टर्स हैं वो सिविक सेंटर में इकट्ठे होंगे और वहां से जाने के बाद चलिए नजर बनाकर रखिएगा। अमित हमारे साथ ग्वालियर से विनोद भी जुड़ चुके हैं। विनोद आप जानकारी दीजिएगा किस तरह से यहाँ पर तस्वीरें सामने आ रही है, आज प्रदर्शन होगा, और महिला डॉक्टर्स की बात करें, नर्सों की बात करें, क्योंकि आप तो देखिए जूनियर डॉक्टर्स के साथ सीनियर डॉक्टर्स भी सड़कों पर उतर आए हैं, मांग कर रहे हैं, चाहे डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें और भी अन्य मुद्दों को लेकर, सुरक्षा को लेकर, तो आज ग्वालियर में क्या कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए बिल्कुल मैं बता दूं, कोलकाता की घटना के बाद पूरे देश भर के डॉक्टरों में गुस्सा है और वो गुस्सा अब सीधे तौर पर अस्पतालों में देखा जा रहा है, प्रदर्शन के दौरान देखा जा रहा है। डॉक्टर लगातार अपनी सेफ्टी एक्ट की मांग कर रहे हैं। जहां तक आज का दिन है तो बहुत मुश्किल भरा दिन आज का होने वाला है, क्योंकि देखिए ओपीडी में आज कोई भी डॉक्टर नहीं बैठेगा, चाहे वो ग्वालियर का अस्पताल हो या दूसरे अन्य अस्पताल हो, क्योंकि आज जो जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन की लगातार कल से हड़ताल चल रही थी, उस हड़ताल में अब मेडिकल टीचर एसोसिएशन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सभी का समर्थन मिल गया है। और जो निजी अस्पताल थे, सरकारी अस्पतालों से कई बार मरीज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चले जाती हैं, तो वहां भी डॉक्टर आज उनको नहीं देखेंगे और वो सीधे सीधे इस हड़ताल में शामिल हो गए हैं। दिन में जिस तरह से हड़ताल कल हुई थी वैसा ही धीरे धीरे अब डॉक्टरों का जुटना शुरू हो गया है। मैं बात कर लेता हूं, डॉक्टर मौर्य हैं मेरे साथ, मेडिकल टीचर एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं। डॉक्टर साहब मैं जानना चाह रहा हूँ आप क्या कुछ दिन भर का शेड्यूल रहने वाला है? जैसा कि आपको पता है कि एक छात्र पीजी छात्रा के साथ में इतना बलात्कार और रेप हुआ है, उससे पूरे भारतवर्ष में डॉक्टरों में क्या कहते हैं विरोध प्रदर्शन का माहौल है, और इसके तहत पूरा जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन की पूरे देश क्या कहते आज काम बंद पे उतर आए हैं और मेडिकल टीचर्स उनका समर्थन कर रही है। बिल्कुल, डॉक्टर अखिलेश से भी बात करते हैं, ये अध्यक्ष हैं मेडिकल टीचर एसोसिएशन के, डॉक्टर अखिलेश मैं जानना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा नजदीक आ जाइए, कितनी बड़ी संख्या में आज आपकी रैली होने वाली है? रैली कम से कम 2000 डॉक्टर होंगे जो भिंड मुरैना से भी आएंगे और बाकी विभिन्न सामाजिक संगठन इकट्ठे होंगे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बाड़े तक रैली जाएगी। चूंकि छात्रा जूडा की थी, जूनियर डॉक्टर थी, इसलिए हड़ताल जूनियर डॉक्टर यहाँ कर रहे हैं, कॉलेज सारे एमपी के बंद हैं, एमपी के क्या देश भर के, आईएमए के अध्यक्ष इंडियन अध्यक्ष ने पूरे देश भर में आंदोलन किया है आज, इसलिए उनकी कोई भी ओपीडी सेवा सारी बंद रहेंगी, तो उनका समर्थन कर रहे हैं हम लोग। लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे वहां के डॉक्टर भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जूनियर डॉक्टर के साथ आप भी खड़े हो गए, फिर जो इमरजेंसी केसेज है, जो पेशेंट आएगा कोई इमरजेंसी में, उसके कैसे क्या चले? इमरजेंसी सेवाएं सुचारू रूप से चालू है, केवल ओपीडी नहीं होगी, बाकी जिनको तकलीफ है उनको हम देख रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि इमरजेंसी सेवाएं यहाँ पर ठप नहीं रहेंगी, उनको देखा जाएगा, प्राथमिकता दी जाएगी। जबलपुर से अमित जुड़े हुए हैं। अमित आप जानकारी दीजिएगा, दो याचिकाओं पर आज सुनवाई होनी है, किस तरह के प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है आज? अमित
अमित, अगर आप सुन पा रहे हो तो जानकारी दीजिएगा, जबलपुर में किस तरह से डॉक्टर्स का ये प्रदर्शन देखा जा रहा है और इलाज के लिए, मरीजों के इलाज के लिए कितने बेहतर इंतजाम है? क्या ओपीडी सेवा जो है सुचारू रूप से रहेगी या फिर बंद रहेगी? यहाँ पे जो इमरजेंसी सेवा है सिर्फ उसको चालू किया गया है, बाकी ठीक है, देख सकते कि ओपीडी के सामने का ये तस्वीर है, तो ओपीडी टोटल पूरी तरह से बंद है। जबलपुर में आज जो प्रदर्शन होगा दोपहर में 12 बजे सारे डॉक्टर्स इकट्ठे होकर सिविक सेंटर से कलेक्टर तक पहुंचेंगे और वहाँ अपना ज्ञापन देंगे। कल देर रात मुख्यमंत्री जब जबलपुर पहुंचे थे तो जुड़ा ने कहीं उनसे मिलने की कोशिश भी की थी, एक ज्ञापन भी उन्हें दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री के द्वारा उनसे बात नहीं की, तो कहीं ना कहीं उनको इस बात को लेकर भी एक नाराजगी दिखाई जा रही है। तो आज जो है दोपहर में 12 बजे ये सिविक सेंटर से प्रोटेस्ट शुरू किया जाएगा। बिल्कुल, और देखिए प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार महिलाएं, आखिरकार बेटियां अपने ही देश में सुरक्षित क्यों नहीं है? घर से बाहर निकलती हैं तो आज भी ये डर है, गारंटी नहीं है कि क्या अपने घर पर सुरक्षित पहुंच पाएंगी या फिर नहीं पहुंच पाएंगी। आप सभी का जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। तो देखिये लगातार देश भर के अलग अलग कोने में, अलग अलग राज्यों में